श्री साई बाबा चालीसा, शिरडी वाले साई बाबा का चालीसा। पहले साई के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साई आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता कौन पिता है यह किसी ने भी ना जाना, कहाँ जन्म साई ने धारा कृष्ण पहली रावना। कोई कहे अयोध्या के रामचंद्र भगवान है, कोई कहता साई बाबा पवन पुत्र हनुमान है, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साई, कोई कहता गोकुल मोहन देव की नंदन है साई। शंकर समर भक्त कई तो बाबा को भक्ते रहते, कोई कहे अवतार दस दत्त का पूजा साई की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साई है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की सीढ़ी में आई थी बरात। आया साधु जी के था बालक एक बहुत छोटा सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता भिक्षा मांगी घर घर, और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी बढ़ती ही वैसे ही गई शान, घर घर होने लगा नगरी में बाबा का गुणगान। दिग दिगंध में लगा गोदने फिर तो साई जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना ही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं निर्धन हूँ, दया उसी पर होती है उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा तो बाबा मुझको संतान, यूं मस्त कहकर साई देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन को देख बेहाल, अंतःकरण श्री साई का सागर जैसे रहा विशाल। भक्त एक राशि आया घर का बहुत बड़ा भक्त धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साई नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से जंग दे नया के भी आए अंधेरा छाया है घर घर में, इसीलिए आया हूँ बाबा होकर सड़ा। दौलत की माया आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी में आया, दे दो मुझको पुत्र दान में रहूंगा जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत है कि उसने चरणों में धर कर शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त जन्म हो तेरे घर। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुम पर उसकी और मेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साई की कृपा का पार, पुत्र रत्न दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। तर मन से जो भजे उसी को जग में होता है उद्धार, साचे साई प्रभु मिला है सदा झूठ की होती हार, साचे जैसा प्रभु मिला है सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूंगा उसका दास, साई जैसे प्रभु मिला है अब उसी है जग में आसार। मेरे घोड़ी दावारण बरसाता था, धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंबन था। बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था, ऐसे में एक मित्र मिला तो जो परम भक्त साई का था। जंजालों से युक्त मगर व्यक्ति में वह भी मुझसे था, बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार। साई जैसे दया मूर्त के दर्शन को हो गए तैयार, पावन श्रेणी नगर में जाकर देखी मतवाली मूर्ति, धन्य धन्य हो गया हमारा जब देखी साई की सूरति। जब से किए हैं दर्शन हमने दुख सारा हो गया काफूर, संकट सारे मिटे हैं और विपदाओं का हो गया
मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से बाबा ने सम्मान दिया है मान दिया है इस जीवन में इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में साईं की लीला का मेरे मन पर सागर हुआ लगता जैसे के कण कण में जैसे ही आवरा हुआ जैसे ही आवरा हुआ इस डी में रहता था बाबा का एक भक्त इस डी में रहता था मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था ग्राम नगर बाजारों में सीकर स्वयं बस देता ग्राम नगर बाजारों में झंकित उसकी हृदय तंत्री थी साईं की झंकारों में स्वच्छ निशा थी साईं रजनी जल की चांद सितारे नहीं समझता रहा हाथ का हाथ तिमिरने मारे बहुत देर तक पड़ा रहा वहाँ वही उसी हालत में जाने कब कुछ होशा उठा उसको किसी पलक में अनजाने में ही उसके मुख से निकल पड़ा था साईं अनजाने ही उसके मुख से निकल पड़ा था साईं जिसके प्रध्वंसरणी में बाबा को पड़ी सुनाई क्षुब्ध हो क्षुब्ध उठा हो मानस उसका बाबा निकल हो लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सन्मुख हो उन्मादी से उधर इधर उधर तब बाबा लगे भटकने सन्मुख चीजें जो भी आई उसको लगे पटकने सन्मुख चीजें जो भी आई उसको लगे पटकने और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला हुए सुसंग दे सभी वहाँ अलग तांडव नृत्य निराला समझ गए सब लोग कि बाबा भक्त बड़ा संकट में छिपित खड़े थे साईं सभी वहाँ पर पड़े हुए जिसने उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल है इसकी भी पीड़ा से पीड़ित उनका अंतःस्थल है इतने में ही दूसरे ने अपनी विचित्रता दिखलाई लख कर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई लेकर संज्ञाहीन भक्त की गाड़ी वहाँ आई सन्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतःस्थल आज न जाने क्यों रह रह करके हो जाता था जंगल आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी आज भक्त की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी उसकी ही दर्शन की खातिर उन्हें थे निवासी जब भी वो जहाँ भी कोई भक्त पड़े संकट में उसकी रक्षा करने बाबा जाते हैं पल भर में युग युग का है सत्य नहीं कोई नई कहानी आपदग्रस्त भक्त जब होता जाने खुले अंतर्यामी भेदभाव से परे पुजारी मानवता के थे साई इतने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला राम रहीम सभी उनके थे दृढ़ करीम अल्लाह ताला घंटे की ध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना मिले परस्पर हिंदू मुस्लिम प्यार बढ़ा दूना दूना चमत्कार था कितना सुंदर परिचय इसे काया ने दी और नीम सी कड़वाहट में थी मिठास बाबा ने भर दी सबको स्नेह दिया साई ने सबको अनुतुल प्यार किया जो कुछ भी जिसने भी मांगा चाह बाबा ने सब उसको दिया ऐसे इसने शील भजन का नाम सदा जी जी जपा गए पर्वत जैसा दुख क्यों न हो पल भर में वह दूर गए साई जैसा दाना दाता हमने जो नहीं देखा कोई जिसके केवल दर्शन में सारी दुखरा दूर हुई तन में साई मन में स्याई साई साई भजा करो अपने दिन की खुद खोकर सुधे उसकी तुम किया करो
अब तू अपनी सुधीन कर बाबा की सुध किया करो, बाबा की सुध किया करो और दिन रात बाबा बाबा ही तू हुरड़ा करो। तो बाबा को अरे वैसो सुध तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा को बाबा को पूरी करनी ही होगी। जंगल जंगल भटक न पागल और ढूंढ ले बाबा को, एक जगह केवल श्रीडी में तू पाएगा बाबा को। धन जगत में प्राणी है वह जिसने बाबा को पाया, दुख में सुख में प्रहराढ़ में साई का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े, साई ना कहीं गाले नाम सदा तुम सन्मुख सबके रहो अणे। इसे बूढ़े की सुन करामत तुम हो जाओगे हैरान, दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चित्र सजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया, भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटियां उन्हें देख दिखा कर करने लगे वहां भाषण, कहने लगे सुनो श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन। औषध मेरे पास एक है और अजबीसी, इसमें शक्ति इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख की मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से, तो है मेरा नम्र निवेदन हर नर से हर नारी से। खरीद लो तुम इसकी इसको सबकी सेवन विधियां है न्यारी, यद्यप तुच्छ वस्तु है यह गुण इसके है एक से भारी। जो है संतानहीन यहाँ यदि मेरी औषध को खाए, पुत्र रत्न हो प्राप्त रे और वह मुँह मांगा फल पाए। औषध मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, औषध मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा, मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया न दो दिन का मेला है, मौज शौक तुम भी कर लो, गर इसके मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लख है इसकी करारस्तानी, प्रमित वह भी मन ही मन था लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यहाँ गया दौड़कर सेवक एक, सुनकर भुगती तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को पत्थर पत्थर पकड़ दुष्टों को ले आओ, या श्रेणी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली श्रेणी की जनता को, कौन नीचे ऐसा है जो साहस कर सकता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरे को, महानाश के महागर्त में पहुंचा दूं जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटले अन्यायी को, काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आई साई को। पल भर में सब खेल बंद करे भागा सिर पर रख कर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साई जैसा दानी मिल न सकेगा जग में, अंश इसका साई बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सौजन्य आदि का आभूषण धारण करे, बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव की सेवा के पथ पर, वही जीते लेता है उसकी जगति को जन्निन का अंतःस्थल। उसकी एक आदमी उदासी ही जन्म को कर देती है बेवल, रूखी सूखी बातें बासी चाहे या हो पकवान, रूखी सूखी ताजी बासी चाहे हो या पकवान। बहुत सदा प्यार के भूखे साई की खातिर थे सभी महान। स्नेह और श्रद्धा से सपने अपने जन को कुछ भी दे जाते, बड़े चाव से उस भोजन को साई बाबा पावन करते। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे, प्रमुदित मन प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग में बाग के मंद मंद हिल करते, बीहड़ बीराने मन में भी स्नेह सलिल भर जाते थे। ऐसी सुमधुर बेला में ही
दुख आपते विपता के मारे अपने मन की विधा सुनाने जंजाते बाबा को घेरे सुनकर जिसकी करने कथा की नमन गमन भराते थे देवभूति हर व्याधा सांत उसके उर में विवर आते थे। जाने क्यों अद्भुत शक्ति उस विभूत में होती है जो धारण करते मस्तक पर दुख सारा हर लेती है। धन्य मनुज के वैरा साक्षात दर्शन जो बाबा साई के पाए धन्य कमल कर उनके लिए जिसने चरण कमल में सिर झुकाए। काश निर्भय तुमको भी साझा अच्छा से साई मिल जाए बासों से उजाड़ मन अपना आज फिर से खिल जाए। अगर पकड़ता मैं चरण सी के साई के नहीं छोड़ता उम्र भर कब्र उम्र भर मना लेता मैं जरूर उनको साई मुझ पर। जब जब जग में भार पाप बड़ा भार पाप का बढ़ता ही जाता है उसे मिटाने की ही खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दामन से क्षण भर में। समता का पाया पाठ पढ़ाया सबको अपना दास बनाकर आप मिटा करके नाम द्वार का मस्जिद का रखा शिरडी में साई ने। दाह ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साई ने सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साई। पहर आठी राम नाम की जय श्री साई भगवान।